जय हिंद दोस्तों, मैं शुभजीत घोष स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं CRPF का पैरामेडिकल का जो कुक स्टाफ का रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है उसका बारे में कि ट्रेड टेस्ट कैसे कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट में कुक का ट्रेड टेस्ट में क्या क्या टेस्ट कराया जाता है और कैसे टेस्ट लिया जाता है उसका बारे में पूरा डिटेल में आज बताऊँगा कि ट्रेड टेस्ट कुक का जो है कुक डिपार्टमेंट का वो कितना दिन का ट्रेनिंग होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या कराता है और कैसे आप ट्रेड टेस्ट पास कर सकते हो। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना ताकि पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओगे तो आप सोचोगे कि मैं तो बहुत अच्छे से करके आया हूँ, लेकिन जो अफसर रहता है आपका चेक करने वाला, देखने वाला, आपको पास कराने वाला जो बोर्ड बैठा रहता है, जो सर लोग साहब लोग रहता है, वो आपका हर एक चीज़ बारीकी से नोट करता है। अगर आपका थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक पाया गया तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि क्यों रिजेक्ट कर देता है, थोड़ा बारीकी मिस्टेक भी वहाँ पे पकड़ना पड़ता है क्योंकि इतना ही कैंडिडेट रहता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहता है तो उसमें काटने का कोशिश बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आप अगर इसमें छोटा भी बारीक भी माइक्रो गलती भी ना करो, माइक्रो मिस्टेक भी ना करो, इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो चलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, जब भी आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए कुक का ट्रेड टेस्ट देने के लिए आओगे तो सबसे पहले आपका हाइजीनिक का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे नोट करने वाला पॉइंट ये, वहां पे आपको बिना हाथ धोए, वहां पे आपका हैंड वॉश भी रहेगा, सोप भी रहेगा, पानी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बेसिन भी रहेगा, आप वहाँ पे बिना हाथ धोए कोई भी काम में नहीं लगना, चाहे आपको कुछ भी चीज़ बनाने के लिए बोला जाए। आपका ग्रुप में होगा, दो दो या तीन तीन लड़का का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको किसी को कुछ भी काम बांट सकता है। किसी को बोलेगा रोटी पलटने के लिए, रोटी ऐसा बनाना है, सबसे पहला पॉइंट, रोटी आपको आटा रहेगा, आटा को गूंदना है, आटा को ना ज़्यादा हार्ड बनाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, इतना बनाना है कि वो देखे कि आटा निकालते टाइम ऐसे लंबा रबर की तरह ना खींचे, पूरा जब जहाँ से खींचो वहीं से टूट जाए। सबसे नोट करने वाला, हर एक चीज़ नोट करना मेरा जो मैं बता रहा हूँ। अगर रोटी आटा बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए बोले आटा से, तो इतना बनाना साइज के, मतलब वो जो रोटी का साइज होगा वो ना तो ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे घर में किसी किसी का बहुत बड़ा बनता है, किसी किसी का बहुत छोटा बनता है, ना तो बहुत बड़ा बनाना है ना छोटा बनाना है। सबसे ध्यान देने वाली पॉइंट है, रोटी प्रॉपर राउंड होना चाहिए। किसी किसी का ऐसे पराठा वाला बीमारी नहीं होना चाहिए कि तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, मेरा हो गया, पक्का कट जाओगे। रोटी सेकते टाइम आपका तवा रहेगा, गैस रहेगा, रोटी सेकते टाइम किसी भी साइड, रोटी का दोनों तरफ से किसी भी साइड जलना नहीं चाहिए लेकिन फूलना जरूर चाहिए। सलाद अगर किसी को बनाने के लिए बोले तो सलाद एक बार बनाने से पहले धोना, काटने से पहले एक बार जरूर धोना उसको, चाहे वो धुला हुआ ही क्यों ना रहे, उसको जरूर धोना। टमाटर हो, चाहे खीरा हो, चाहे गाजर हो, मूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्याज हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उसको काटने से पहले एक बार जरूर धोना, काटने के बाद भी एक बार जरूर धोना। तो वहाँ आप काट के जैसे छीलोगे, छीलनी से जब छीलते हो, छीलने के बाद जो ऐसे दांत टाइप का बना रहता है, जो पकड़ने वाला राउंड फिगर का एक होता है लंबा सा, तो छीलने के बाद ऐसे लंबा से खरोचना है ताकि जो लंबा लंबा लाइनिंग होता है, जैसे मान लो खीरा हो गया, गाजर हो गया, प्याज में नहीं करना लेकिन खीरा और गाजर में इस चीज़ को जरूर करना, अगर किसी को मिल जाए खीरा और गाजर सलाद बनाने के लिए। तो छीलने के बाद आप ऐसे बनाना कि ऐसे लंबा लंबा लाइन पड़े उसमें, छील दोगे तो प्लेन हो जाएगा, वो होने के बाद आप लंबा लंबा जैसे उलट दोगे उस छीलनी को तो लंबा लंबा दांत जैसा बना होता है, उसमें पूरा राउंड फिगर में उसको छील देना है, फिर जैसे दांत दांत ऐसे खरोच टाइप का बन जाए, गाजर हो जाए, मूली, फिर उसको गोल गोल काटना, लेकिन ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, ऐसे चिप्स टाइप का बनाना है। चिप्स टाइप का इस उंगली को आधा करने से, इस उंगली का आधा हिस्सा करने से जो साइज बनता है सेम उसी साइज का करना, गाजर हो चाहे मूली हो चाहे खीरा हो।
प्याज भी काटोगे, प्याज को छीलना है पर ऐसे खरोचना नहीं है, छीलने से आपको सेम साइज, जितना साइज का आप खीरा बनाओगे, मूली बनाओगे, गाजर बनाओगे, उसी सेम साइज का आपको प्याज भी कटना है। किसी को अगर चिकन बनाने बोले या मछली बनाने बोले या फिर अंडा करी बनाने बोले या फिर पनीर मटर का सब्जी बनाने बोले, तो वो भी आप अपना पनीर रख देगा, पनीर को इतना साइज काटना कि चारों तरफ जो वर्गाकार होता है रेक्टेंगल साइज का काटना है और उसमें एक ही साइज होना चाहिए। फिर मटर, आलू, फूलगोभी, कैप्सिकम वगैरह जो भी होता है वो ऐसा साइज काटना है ताकि हर एक साइज बराबर हो। और आपको अकेला डिटेल नहीं कर सकता है क्योंकि सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो दो आदमी का जरूर डिटेल कर देगा। किसी को चिकन बनाने बोले, मछली बनाने बोले, तो उसमें दो तीन आदमी का ग्रुप रहेगा, उसमें सबको नोटिस किया जाएगा एक एक करके पॉइंट, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हर एक चीज़ नोटिस किया जाएगा। कोई सोचेगा कि मकरागिरी कर दूं, कोई सोच रहा है मैं कट मार दूं, कोई सोचेगा कि मैं ये कर दूं, तो हर एक चीज़ में वो नोट करेगा सर लोग जो रहेगा। तो आप बहुत बारीकी से नोट किया जाएगा, बहुत ध्यान से चेक किया जाएगा, तो आप लोग बहुत सोच समझ के ये सब काम कीजिएगा। किसी को बोलेगा बनाने के बाद डिश बनाने को, तो जितना भी आप लोग चावल चुवल वगैरह बनाते हो कि प्रेशर कुकर में चावल बनाने के लिए बोलेगा, या फिर नहीं बनाने के भी बोल सकता है, बोलेगा इतना चावल में कितना पानी डालना पड़ता है, ये भी आप हो सकता है किसी को पता नहीं होगा, तो घर वाले या फिर मम्मी पापा सॉरी मम्मी को या फिर आंटी को या फिर किसी भी घर में जो बनाती है तो उसको पूछ लीजिएगा कि घर में चावल कितना, चावल में कितना पानी डालना पड़ता है और प्रेशर कुकर में कितना सीटी देना पड़ता है और कितना टाइम लग जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आग से रिलेटेड, अगर मान लीजिए गैस जलते जलते आग लग गया तो उसमें क्या करना है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर गैस जलते जलते आग लग जाए तो आग को कैसे बुझाना है? तो फायर एक्सटिंग्यूशर रहेगा उसमें बगल में ही, आपका रेड कलर का एक पाइप टाइप का बना हुआ रहता है, तो उसमें आपको वो ओपन करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है उसमें, तो दिखाना है सर इसको ऐसा ऐसे ओपन करके फिर आग को आप बुझा सकते हो, गैस वाला जो आग है, बिजली वाला आग हुआ तो फिर उसमें फायर एक्सटिंग्यूशर का एक पाउडर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यूज कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। किसी को कोई भी जानकारी अगर इस वीडियो में चाहिए और किसी भी इससे रिलेटेड किसी का मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा जल्द से जल्द। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और नया व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।